अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर वन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। हम इसमें टॉपिक्स कवर करेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कैपेबिलिटीज, हिस्ट्री, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशंस, इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो पहले हम देखते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर यह जो वर्ड है वो निकला है वर्ड कंप्यूट से, जिसके मीनिंग क्या होते हैं, कैलकुलेट करना। कंप्यूटर की नीड हमें क्यों थी, हमें कंप्यूटर एक ऐसी, हमें एक डिवाइस चाहिए थी जो हमारी क्या कर सके, हमारे लिए कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सके, कैलकुलेशन में हमारी हेल्प कर सके। बहुत मतलब कैलकुलेशन क्या होती हैं, एक ही टास्क होता है, एक ही ऑपरेशन होता है जो हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमें एक पूरी क्लास का वो निकालना है, सबके टोटल मार्क्स निकालने हैं, तो एक ही ऑपरेशन है कि सबके मार्क्स को आप ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल मार्क्स। मगर ये काम हमें क्या करना है, सारे बच्चों के लिए रिपीट करना होगा। तो कंप्यूटर क्या है, एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारी क्या हेल्प करता है कि ताकि हम क्या कर सकें, डाटा को प्रोसेस कर सकें, स्टोर कर सकें और हमें प्रोसेस करके हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल सकें। सही। अब कंप्यूटर किस पर कंसिस्ट करता है, हार्डवेयर पर और सॉफ्टवेयर पर। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर कंप्यूटर का कोई भी पार्ट, कोई भी टेंजिबल पार्ट जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हो, तो वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, पावर सप्लाई, वायर्स, साउंड कार्ड, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड, रैम, सीपीयू, फैन एक्सेट्रा, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ है, जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है और जिसको हम टेंजिबल, जो टेंजिबल है उसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है। नेक्स्ट थिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर हमारे लिए जो भी टास्क करता है वो किस तरह करता है, उसको कैसे पता है क्या करना है। कंप्यूटर को हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताते हैं कि उसने करना क्या है, हम उससे क्या काम करवाना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अगर हमने एक्सेल में क्या करते हैं, हम स्प्रेडशीट्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, वर्ड में हम टेक्स्ट फाइल लिख सकते हैं, टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, तो ये सारे काम क्या करता है, सॉफ्टवेयर बताता है कंप्यूटर को उसने करना क्या है, उसके साथ कैसे करना है। नेक्स्ट थिंग इज कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। ये कैपेबिलिटीज है कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, इसकी स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज़ी से काम कर सकता है। रेपिटेशंस क्या है कि एक ही काम बार बार करेगा मगर तो ये टायर्ड नहीं होता है। ह्यूमन्स क्या होते हैं, एक ही काम अगर हम बार बार करें हम उससे बोर हो जाते हैं और हमारी एक्यूरेसी में क्या आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि मशीन है तो हर काम बहुत तेज़ी के साथ, बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर सकती है। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं कि इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे आपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेना है, तो उसमें क्या है कि आप दो बटन्स एक साथ प्रेस करते हैं, तो उसके बदले में कंप्यूटर क्या करता है, रिस्पॉन्स में क्या करता है, स्क्रीनशॉट ले लेता है। तो चेक करता है कि आपने पावर बटन प्रेस किया हुआ है, अगर पावर बटन प्रेस है और आपका वॉल्यूम का बटन प्रेस नहीं है तो स्क्रीनशॉट नहीं लेगा। वो पावर बटन प्रेस होने पे क्या करेगा, स्क्रीन बंद कर देगा, आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों बटन प्रेस होंगे तो उसको पता है कि जब दोनों बटन प्रेस हो, दोनों सिग्नल्स उसको मिल जाएंगे, तो क्या करेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो ये क्या है, ये लॉजिकल ऑपरेशंस की एग्जांपल है। स्टोर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास क्या होती है, स्टोरेज होती है, हार्ड ड्राइव्स होती हैं, तो हम क्या करते हैं उस पर डाटा स्टोर कर सकते हैं, और जब हमें उस डाटा की ज़रूरत हो, उस फाइल्स की ज़रूरत हो, हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। सेल्फ़ चेकिंग में होता है, कंप्यूटर अपने पास जो भी काम कर रहा है उसके साथ साथ वो चेक करता रहता है कि उसने कोई पैरिटी चेक के जरिए कि वो गलत तो नहीं कर रहा है, जो उसको इंस्ट्रक्शन मिली है वही काम कर रहा है। सेल्फ ऑपरेटिंग में ये होता है कि एक दफ़ा हमने कंप्यूटर को कोई टास्क दे दिया, हमने बता दिया उसको, सारी इंस्ट्रक्शन दे दी, उसके बाद हमें उसको से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर खुद अपने वो सारे टास्क स्टार्ट करता रहेगा। इसकी एग्जांपल क्या है, जब हम कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हम एक दफ़ा हम विंडोज़ सीडी इंसर्ट करते हैं और हम बता देते हैं कि उसके बाद इसमें सी ड्राइव पे इंस्टॉल करना है, जैसे हम एंटर करते हैं कि इंस्टॉल, तो उसके बाद हमारे इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, कंप्यूटर खुद उसको पता है कि उसने क्या क्या टास्क सीक्वेंस से परफॉर्म करना है, वो सारे परफॉर्म करता रहता है। अब क्या, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर्स, अर्ली कंप्यूटर्स कैसे थे और वो क्यों थे, उनको किसने बनाया। पहला जो हमारे पास सिंपल कंप्यूटर या अर्ली कंप्यूटर कह लें, एबेकस, ये एक डिवाइस थी जिसको किस लिए यूज़ करते थे, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते थे। इसके अंदर ये बीट्स होती थी जिनके ज़रिए हम काउंटिंग परफॉर्म कर सकते थे। जो सबसे लोअर बीट है ये यूनिट की है, उसके ऊपर टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड,
100,000 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और सो ऑन, इस तरह इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म हो सकती है। नेपियर बॉन्ड्स, नेपियर बॉन्ड किसने इन्वेंट की थी? जॉन नेपियर ने इन्वेंट की थी। और ये इसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते थे, ये इस तरह से दिखती थी। इसमें अंदर 11 रॉड्स होती थी। और जैसे अगर मेरे ये है, ये जो लेफ्ट साइड पे है ये मेरा रेफरेंस नंबर है। ऐसे अगर टेबल में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये वो रेफरेंस नंबर है कि मैं किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूँ। और जो टॉप बोन्स हैं ये बताते हैं कि मेरा मल्टीप्लिकेशन मैं किस नंबर से कर रहा हूँ। अप सही, जैसे अगर मैंने 2 का टेबल देखना है, तो जैसे ये 2 है, 2 1s are, अच्छा पहले देख लेते। अब यहाँ पे जो बॉक्स है इसमें एक डायगोनल आ रहा है, जो डायगोनल के नीचे नंबर है ये यूनिट का नंबर कहलाता है, और जो ऊपर है वो टेंस कहलाता है। अब जैसे अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा? 2, यूनिट में आ गया 2, और टेंस में क्या है? 0, 0 2 इक्वल्स टू 2, तो 2 1s are 2। और जब मैं 2 को 8 से करूँगा तो अभी देखिए ये 1 और 6 16 बन जाएगा। अगर मैं दो नंबर मिला के मल्टीप्लाई करने से 12 1s are चेक करूँगा तो ये 2 आ जाएगा यूनिट में। अभी सेकेंड पार्ट है, इसमें क्या आ रहा है? ये डायगोनल में दो नंबर आ रहे हैं। जब हम डायगोनल में आते हैं, नंबर आते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको ऐड करते हैं। 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। तो हमारे 10 में क्या आ गया? 1। अगर यहाँ पे कोई नंबर ग्रेटर देन 9 आता तो हम उसका यूनिट में यहाँ नंबर लिखते और जो बाकी नंबर कैरी दे देते, तो आगे ऐड हो जाता। नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइस जो आई थी, इसको किसने क्रिएट करा था? विलियम ओट्रेड ने 1612 में। ये क्या है? ये नेपियर बॉन्ड्स के, नेपियर्स जॉन नेपियर के एल्गोरिथम पे बेस्ड करती थी। इस पे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड बहुत तेज़ी से कर सकते थे। इस डिवाइस के अंदर क्या था कि इसके अंदर दो मूवेबल रूलर्स थे जिनको हमने साइड बाय साइड प्लेस कर दिया था। दो रूलर्स थे इसके अंदर, और रूलर का स्टार्टिंग पॉइंट से लेके उसका जो डिस्टेंस था स्टार्टिंग पॉइंट से, वो उस डिस्टेंस का लॉगरिथम पे से प्रोपोर्शन करता था। तो हम जो स्लाइडिंग रूल, इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको स्लाइड करके नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते थे। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है पास्कलाइन या पास्कल्स कैलकुलेटर। इसको किसने इन्वेंट करा था? इसको ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट करा था। वो क्या, इस ये डिवाइस को उन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर। इट में इसमें 8 मूवेबल डायल्स थे, और जो 8 फिगर्स नंबर को ऐड कर सकते थे। इसके अंदर क्या होते, हम डायल्स को मूव करके नंबर प्लेस करते थे। यहाँ पे हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए लीवर था, जिसको हम सेट कर देते थे कि हमने एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, और फिर उसके बाद हम सेकेंड नंबर इंसर्ट करते थे। और उससे क्या होता, हमारे पास जो टॉप का है, हमारे पास जो टॉप पोजीशन है यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता था। इसके बाद लिबनेस कैलकुलेटर, ये जॉन वैन लिबनेस ने, विलियम वॉन लिबनेस ने इसको इम्प्रूव किया था। जो पीछे मैंने बताया आपको पास्कल्स कैलकुलेटर, इसको जर्मन फिलोसफर मैथमेटिशियन विलियम वॉन लिबनेस ने इम्प्रूव किया था। और ये मल्टीप्ली, इसमें आप मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते थे। अब ये है अर्थमोमीटर, इसमें क्या था? ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसमें चारों बेसिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता था। इसको इन्वेंट किया था चार्ल्स जेवियर ने 1820 में, और ये बहुत ज़्यादा वर्सटाइल था। चारों, पहला कैलकुलेटर था, चारों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते, तो वर्ल्ड वॉर 1 तक ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। इसके बाद हमारे पास आता है बेबेज डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो डिवाइस प्रपोज की थी ये बना नहीं पाए थे, क्योंकि उस टाइम पे इनके पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि जो इनके डिज़ाइन थे उसको बना सकें। तो इन्होंने पहला जो ये बेबेज डिफरेंस इंजन था, ये एक स्पेशल पर्पस था कि इसका खास पर्पस क्या था? ये सिर्फ डिफरेंस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता था इसके अंदर। तो ये इनसे बन, ये इसके जो डिज़ाइंस तो इनके थे सही थे। ये इसको बाद में, अभी रिसेंटली कैनिस्टन यूनिवर्सिटी में, आई थी कैनिस्टन म्यूजियम में इसको डेवलप किया गया था। तो उस टाइम की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो ये डिफरेंस इंजन इनका बन नहीं पाया था। नेक्स्ट है हमारे पास बेबेज कैनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज उसको बना नहीं पाया था डिफरेंस इंजन को, क्योंकि उसकी फंडिंग भी इनके पास ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो डिवाइसिंग की बन नहीं पा रही थी, काफ़ी उस पर खर्चा हो गया था। लेकिन उन्होंने एक चीज़ पे क्या सीख ली थी कि उन्होंने उसको स्पेशल पर्पज़ से लाया, उसको जनरल पर्पज़ पे, कि एक छोटा काम उस पर जनरल सारे काम कर सके। इसके चार कंपोनेंट थे,
पहला कंपोनेंट था मिल, ये कैलकुलेटिंग यूनिट था, इसके अंदर क्या होती थी जितनी भी कैलकुलेशन है उसके अंदर परफॉर्म होती थी। दूसरा यूनिट था द स्टोर, स्टोर यूनिट में क्या होता था मेमोरी थी, जो हमने जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम इनपुट दे रहे हैं वो कहाँ स्टोर होता था, स्टोर के अंदर। रीडर क्या इनपुट डिवाइस थी, पंच कार्ड थे, इसके अंदर हम इससे हम इनपुट देते थे और प्रिंटर पर हमारा आउटपुट आ जाता था। अच्छा, जो रीडर का इनका जो फीचर था, जो पंच कार्ड इन्होंने यूज़ किए थे, वो जैकवर्ड लूम का इनका इन्होंने उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, जैकवर्ड लूम इन्हें इन्वेंट किए थे पंच कार्ड। बेबेज के एनालिटिक इंजन के बाद आते हैं हम लोग हॉलोलिथ टैबुलेटिंग मशीन। ये पहली इलेक्ट्रिकल मशीन, जिससे पहले हमने जितने भी अभी कैलकुलेटिंग डिवाइस देखे हैं वो सारे मैकेनिकल थे, मतलब उसमें वो ऑटोमेट नहीं थी, हम उसको मैकेनिकली ऑपरेट करना पड़ता था। हॉलोलिथ टैबुलेटिंग मशीन ये पहली इलेक्ट्रिकल डिवाइस थी। इसको इसका भी इनपुट जो था वो पंच कार्ड पर बेस करता था, इन्होंने भी जैकवर्ड लूम का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। अच्छा, इसकी नीड क्या थी, 1889 में जो अमेरिकन सेंसस था 1880 का, उसको बहुत टाइम लग गया था उस कंपाइल होने में, कि उन्होंने सेंसस तो कर लिया था लेकिन उनको उसको कैलकुलेट करने में, क्या सेंसस का रिजल्ट क्या है, काफ़ी टाइम लग गया था। तो कांग्रेस इसके लिए परेशान थी कि अब 1890 का सेंसस है, अगर वो अब सेंसस ले दें तो आबादी बढ़ गई है, तो उसको कंपाइल होने में अगर 10 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा तो 1900 स्टार्ट हो जाएगी और उनको सीट एलोकेट करनी थी। तो इसमें हॉलरेथ ने अपनी मशीन प्रपोज की थी और इनकी मशीन की वजह से वो जो सेंस 1890 का सेंसस था उस 6 महीने में कंपाइल हो गया था। अब हॉलरेथ ने अपनी टैबलेटिंग मशीन को क्या लिया, ये बिजनेस वर्ल्ड में लाए और उसको टैबलेटिंग मशीन कंपनी का नाम दिया, जो बाद में अब IBM कंपनी, जो आपने नाम सुना होगा, उस नाम से मशहूर है। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं, हमारे पास 5 जनरेशन है कंप्यूटर की। पहली जनरेशन है में वैक्यूम ट्यूब्स आए थे, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर्स, पाँचवीं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर क्या थे, ये वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते थे, सर्किटरी इनकी जो थी वो वैक्यूम ट्यूब्स पर बेस करती थी और जो उन्होंने डाटा स्टोर करना होता था वो मैग्नेटिक ड्रम्स पर करते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, वो पूरे पूरे कमरों रूम्स ले लेते थे जगह, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, इसकी वजह से उनके फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन भी हो जाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे तो उसके अंदर जो उनके जो पार्ट्स थे ख़राब हो जाते थे। इसके अंदर जो हम ऑपरेशन करते थे, जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे, और कंप्यूटर तो बहुत बड़े थे लेकिन उसे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे एट अ टाइम। फर्स्ट जनरेशन के बाद अच्छा, इसके अंदर इनपुट क्या था, इसके अंदर इनपुट पंच कार्ड थे और पेपर टेप थे, आउटपुट प्रिंटर पे यूज़ होते थे। एग्जांपल क्या है स्क्रीन की, ENIAC, EDVAC और UNIVAC। UNIVAC पहला कंप्यूटर था जो परचेज किया था 1951 में US सेंसस ब्यूरो ने। सेकंड जनरेशन में क्या है हमारे पास, ट्रांजिस्टर बहुत छोटी डिवाइसेस होती है, बहुत छोटी हो गई, उस टाइम इतनी छोटी नहीं थी, लेकिन ये 1947 में इन्वेंट हुई और 1950 में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर को जब हमने कंप्यूटर में यूज़ करा, उसको सर्किटरी बनाना शुरू की उससे, तो उससे हमारे कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था, कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए, फास्ट है, उनकी स्पीड बढ़ गई थी, और ट्रांजिस्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे तो उसके उस टाइम वैक्यूम ट्यूब के लिहाज से तो क्या हो गई कि कॉस्ट भी कम हो गई थी। लेकिन सेकंड जनरेशन में भी इनपुट और आउटपुट हमारे पंच कार्ड के थ्रू होते थे। सेकंड जनरेशन में हमने जो प्रोग्रामिंग यूज़ की, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज इंट्रोड्यूस की गई। अच्छा, सेकंड जनरेशन के अंदर ही जो हमारी मशीन्स थी वो पहली दफ़ा हमारे क्या हुआ, हम मैग्नेट स्टोरेज में मैग्नेटिक ड्रम से कहाँ चले गए, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी पर चले गए। थर्ड जनरेशन में हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट आया। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या थे, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर से बहुत ज़्यादा साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया, तो हमने क्या करा, ट्रांजिस्टर्स के साइज़ को और छोटा किया और उसको क्या कर दिया, एक चिप पर प्लेस कर दिया। तो इससे क्या, ये क्या कहलाते थे, ये सिस्टम ऑन अ चिप भी कहलाते थे। इससे क्या हुआ, हमारी जो इंक्रीज स्पीड थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कंप्यूटर्स की, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक चिप पे होते थे, उससे कंप्यूटर का साइज़ भी रिड्यूस हो गया था, कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ गई थी।
थर्ड जनरेशन में हमारा जो इनपुट था, इनपुट मैकेनिज्म था, वो हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देते थे और मॉनिटर के थ्रू हम अपना क्या देखते थे कि आउटपुट क्या आ रहा है। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर में क्या हुआ कि हमने अब एक चिप के ऊपर बहुत सारी आईसीज बिल्ड कर दी। पिछला हमारे थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था, हमने एक चिप के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर बिल्ड कर रहे थे, तो उससे हमारे पास आईसी बनी थी और हमने वही हमने बहुत सारी आईसीज को एक चिप पे लिया है। तो इससे क्या, ये क्या, इससे हमारा क्या हुआ, कंप्यूटर काफ़ी फास्टर हो गया, उसका साइज़ और रिड्यूस हो गया और कॉस्ट भी और कम हो गई। हमारे जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो सारे एक चिप पे आ गए थे, सीपीयू के कंट्रोल यूनिट, मेमोरी को कंट्रोल करने के, इनपुट को कंट्रोल करने का, आउटपुट करने, सारे कंट्रोल यूनिट्स एक ही चिप पे एम्बेड हो गए थे। थर्ड जनरेशन के अंदर 1981 में IBM ने पहला कंप्यूटर यूज इंट्रोड्यूस किया होम यूजर्स के लिए और 1984 में फर्स्ट मैकिंटोश डिवाइस आई। अच्छा, फोर्थ जनरेशन की अदर एडवांसेस क्या हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस और हैंडहेल्ड डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स, हैंडहेल्ड प्रिंटर्स, स्मार्ट वॉचेस, ये सब क्या है, फोर्थ जनरेशन की डिवाइसेस हैं। फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास आ गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अब हम काफ़ी जोर पकड़ रही है, क्योंकि आप देखते होंगे जो आपके मोबाइल में बहुत जो है, पहले सबसे पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस बनी थी या प्रोग्राम बना था, होता है स्पैम फिल्टर, जो हमारे ईमेल्स के अंदर होता है, जिसमें ऐसे होता है जो हमारे पास ईमेल्स में अनवांटेड ईमेल्स होते हैं, स्पैम ईमेल्स होते हैं, जो जैसे कि प्रोमोशंस के, एडवर्टाइजिंग के, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते, तो हम उसको स्पैम मार्क कर देते थे। उसके बाद हमारी डिवाइस, हमारा जो ईमेल इंजन है, वो समझ जाता था कि ये डिवाइस, ये जो ईमेल है, ये हमारे काम का नहीं है, इसको हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो उस तरह के ईमेल को हमें शो ही नहीं करता था, उसके स्पैम फोल्डर में खुद ही डाल देता था। अब जो AI के अंदर एडवांसेस हो रही हैं वो है फेशियल रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, आपने मोबाइल में देखा होगा कि आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो रही है कि आप अपनी वॉइस के थ्रू कमांड देते हैं और कंप्यूटर उसको समझ के उसके बदले समझता है उस इंस्ट्रक्शंस को और क्या करता है, आपको काम करके दिखा देता है जो आपने कहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों बढ़ रही, क्योंकि अब इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए होता है इन सारी चीज़ों के लिए, स्पीच रिकॉग्निशन के लिए, फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, मशीन को ट्रेन करने के लिए कि वो सीखे कि क्या कौन सी चीज़ क्या है। जैसे अगर मैंने फेस रिकॉग्नाइज करवाना है तो मेरा फेस रिकॉग्नाइज करने के लिए मुझे काफ़ी सारे अपने पिक्चर्स उसको कंप्यूटर को देनी पड़ेंगी जिस पे वो ट्रेन करेगा। तो पहले की जनरेशन में हमारे पास स्टोरेज इतनी नहीं होती थी, अब जो है हमारी जो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो हमारे पास स्टोरेज क्या है, बहुत चीप हो गई है, तो उसकी वजह से अब हमारी कंप्यूटेशंस जो है हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर को हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। कंप्यूटर को हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि कंप्यूटर का पर्पस क्या है, कि आप किस तरह पर्पस के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, वो डाटा को किस तरह हैंडल करता है, उसकी कैपेसिटी क्या है। पहले देखते हैं हम जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू पर्पस, कि कंप्यूटर क्या है, जनरल पर्पस है, एक स्पेशल पर्पस है। जनरल पर्पस कंप्यूटर वो होते हैं जिनको हम एक काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, इसके अंदर अगर हमने पिक्चर व्यू करनी है, फोटोज़ व्यू करनी है, तो उसका भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, उसमें देख सकते हैं। अगर हमने कोई वर्ड फाइल राइट करनी है, रीड करनी है, कोई एक्सेल शीट बनानी है, वेब ब्राउजिंग करनी है, ये सारे काम हम इसमें कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो ये क्या है, जनरल पर्पस है, इसको हम बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जनरल पर्पस होते हैं तो इनका जो हार्डवेयर होता है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि वो एक ये डिफरेंट कामों के लिए बने होते हैं, तो ये किसी एक ख़ास काम को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज भी हमें नहीं कर सकते, तो इनकी एफिशिएंसी कम होती है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो होता है जिनको खास एक एक प्रॉब्लम के लिए डिज़ाइन किया जाता है, कि वो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसके अलावा वो कुछ और काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये खास प्रॉब्लम के लिए बनाए जाते हैं, इनका हार्डवेयर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है और ये बहुत ज़्यादा जनरल पर्पस से ज़्यादा तेज़ काम करते हैं, फास्ट होते हैं। जैसे कि ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम, सिर्फ ट्रैफिक लाइट कंट्रोल कर सकता है, उसमें आप कुछ और काम नहीं कर सकते। नेविगेशन सिस्टम इन एयरक्राफ्ट, वेदर फॉरकास्टिंग, ये सब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप, डाटा हैंडल, कंप्यूटर किस तरह से डाटा को हैंडल करता है। पहली टाइप क्या है, एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर क्या, एनालॉग डाटा क्या होता है, एनालॉग डाटा होता है जो कंटिन्यूस हो, जैसे कि टेम्परेचर है, वो एक
कंटिन्यूटी में राइज करता है, ऐसे नहीं होता है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड अचानक 30 डिग्री हो जाएगा, तो 5 डिग्री से 30 डिग्री तक के बीच की सारी वैल्यूज को क्रॉस करते हुए 30 पे जाएगा। जो हमारी क्लॉक है वो डायरेक्ट 1 से 5 पे नहीं आ जाएगी, जो एनालॉग क्लॉक से, वो बीच में से सारी जो भी उसका डाटा है उसको कवर करते हुए आएगा। अब जैसे कि आपकी कार का इसमें एग्जाम्पल क्या दी हुई है, स्पीडोमीटर ऑफ कार, तो आपकी जब कार एक्सेलरेट कर रही होगी तो वो 1 से डायरेक्ट या 10 मीटर पर किलोमीटर पर आवर से डायरेक्ट 40 किलोमीटर पर आवर नहीं आएगी, वो एक ग्रेजुअली इसके अपनी स्पीड को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये जो डाटा होता है ये क्या कहलाता है, कंटिन्यूस डाटा हमारे पास एनालॉग डाटा कहला होता है। और एनालॉग डाटा को हम किस कौन से कंप्यूटर प्रोसेस कर सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, क्योंकि हमारा जो पूरा जो हमारी नेचर है वो क्या है, एनालॉग है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है, टाइम है, ये हमारे नेचर का हिस्सा है, ये सारे अपने नेचर में क्या है, एनालॉग है, क्योंकि तो ये एनालॉग कंप्यूटर फास्टर होते हैं डिजिटल कंप्यूटर से। अच्छा, इनके एग्जांपल क्या ही, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, पेपर मेकिंग में यूज़ होते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। अच्छा, एनालॉग कंप्यूटर्स क्या है, ये फ्रीक्वेंटली ये रिलायबल नहीं होते, मतलब अगर आज मैंने डाटा इसमें स्टोर करा है एनालॉग कंप्यूटर में तो ज़रूरी नहीं है वो आफ्टर 10 आवर्स वो उसके अंदर डाटा वैलिड हो, क्योंकि उसके वेरिएशन आ रही होती हैं टेम्परेचर में फिर और क्या नाम है टाइम में, तो उस टाइम और टेम्परेचर के वेरिएशन से उसका डाटा क्या हो जाता है, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आ जाती है। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स वो होते हैं जो डिस्क्रीट डाटा पे काम करते हैं। अब ये क्या करता है, ये हमारी ये बाइनरी फॉर्म में काम करते हैं, ये दो ही, या तो वन या तो ऑन होते हैं या ज़ीरो ऑफ होते हैं। अब इसके अंदर डिजिटल डाटा के अंदर क्या होता है, ये एनालॉग कंप्यूटर से ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ये एनालॉग कंप्यूटर से स्लो होते हैं, क्योंकि जो हमारे डिजिटल काम होता है उसको हम पहले डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसमें प्रोसेस करते हैं, वापस किस में ले आते हैं, एनालॉग में ले आते हैं, डिजिटल में ले आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आजकल हम जितनी भी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सारी क्या हैं, ये अपने नेचर में डिजिटल हैं। इसके बाद तीसरी टाइप क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, ये एनालॉग का और डिजिटल का मर्जर है, इसके अंदर हमने दोनों के बेस्ट फीचर यूज़ किए हैं। एनालॉग का बेस्ट फीचर क्या है, स्पीड, के एनालॉग बहुत तेज़ी से काम करते हैं, और डिजिटल का बेस्ट फीचर है कि वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और उनके पास मेमोरी होती है, उसके अंदर हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर के पास की स्पीड भी ज़्यादा होती है और इनकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। उसकी एग्जाम्पल क्या है, ऐसे पेट्रोल पम्प पर हम जाते हैं तो जो उसके अंदर प्रोसेसर होता है वो पहले क्या करता है, जितना पेट्रोल फ्लो हो रहा है, जो उसमें से फ्यूल का फ्लो है, वो उसको मेजर करता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, क्वांटिटी में, कि इस कितनी क्वांटिटी से आपका फ्यूल, कितने क्वांटिटी फ्यूल की निकली है इसमें से, यूज़ हुई है, और उसके बदले बताता है आपको प्राइस को, और वह डिजिटली आपको शो कर देता है कितनी क्वान्टिटी में आपका हमने पेट्रोल लिया है और उसकी प्राइस क्या बनती है। ऐसे ही हॉस्पिटल में इंटेंस केयर यूनिट है, उसमें क्या होता है, एनालॉग डिवाइस क्या करती है, पेशेंट्स के ब्लड को मेजर करती है, उसका टेम्परेचर मेजर करती है और उसको कन्वर्ट कर देती है डिजिटल में, और आपको डिजिटल फॉर्म में क्या कर देती है, रिप्रेजेंट कर देती है। इसके बाद आती है कंप्यूटर की टाइप अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। सबसे पहले क्या है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वो एक टाइम हर उस कंप्यूटर पर अप्लाई होती है जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो बाकी सारे कंप्यूटर से, जैसे इसके अंदर एक से ज़्यादा CPU होते हैं ताकि हम इसकी हाई परफॉर्मेंस को अचीव कर सकें। कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स कॉमन एप्लीकेशंस क्या हैं, कि हम उसको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें वेदर फोरकास्टिंग करनी है, एवोल्यूशन ऑफ कॉस्मोस है, न्यूक्लियर वेपन्स और उसके रिएक्टर्स को हमने कंटेन करना है, उनको हमने चेक करना है कि रिएक्शन में क्या होगा, ये सारी कैलकुलेशन जो हैं ये सुपर कंप्यूटर्स के अंदर की जाती हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, ये काफ़ी लार्ज बड़े कंप्यूटर होते हैं, इसके इनके पास काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज होती है, प्रोसेसिंग पावर भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, और इनको इनकी रिलायबिलिटी, मतलब ये रिलायबल होते हैं, इसके ये नहीं कि बहुत आसानी से ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे कि, और ये नहीं होता। मेन फ्रेम्स क्या होते हैं, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं, और इसके अंदर हम थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टर्मिनल्स को एट अ टाइम प्लग इन करके यूज़ कर सकते हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ यूज़र एक साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। टर्मिनल में क्या आ जाता है, टर्मिनल में आता है हमारा मॉनिटर और कीबोर्ड, मतलब इसमें एक साथ हम हंड्रेड्स ऑफ मॉनिटर और कीबोर्ड को सिलेक्ट करके हंड्रेड्स ऑफ यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं,
इनको हम ये बड़ी जो बिग कंपनीज होती हैं वो अपनी कंप्यूटेशंस के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, अपने जो भी उनको ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं अपने बिजनेस में, उसके लिए क्या करते हैं, मेन फ्रेम, एक मेन फ्रेम लगाते हैं और उनके जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो उससे कनेक्टेड होते हैं। इसके दूसरे एग्जाम्पल्स क्या हैं कि आपने सिटीजन्स की मूवमेंट को ट्रैक करना है, थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स जो डेली फ्लाइट्स होती हैं आपको उनको स्केजूल करना है, तो ये भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है कि मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़े छोटे होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। अच्छा, इस ये 4 to 200 टर्मिनल्स एट अ टाइम क्या कर सकते हैं, इंटरटेन कर सकते हैं, मतलब 4 to 200 यूजर्स को एक साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेन फ्रेम से स्लोअर होते हैं और उनसे चीपर होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, डेकवेक्स और IBM AS/400। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जिनको जो किससे पावर किए जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक बहुत छोटी चिप होती है जिस पर थाउजेंड्स ऑफ ICs एम्बेड हुई हुई होती हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल चिप प्रोसेसर। क्योंकि पहले तो सिंगल चिप प्रोसेसर होते थे कि एक ही प्रोसेसर होता था, अब तो बहुत सारे डुअल कोर और कोर टू डू प्रोसेसर आने लगे। अच्छा, ये माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं ये होम यूजर्स के लिए होते हैं और ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज एक मीन होती है कम्युनिकेशन के लिए। आपने दो लोगों ने आपस में बात करनी हो तो उनको कोई ना कोई लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज पता होनी चाहिए जो दोनों समझ सकें, तभी वो आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर एक प्रोग्रामर है, उसने कोई प्रोग्राम राइट करना है, उसने कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है, तो कंप्यूटर को किस तरह बताया कि उसने क्या करवाना है, तो इसके लिए इनको कंप्यूटर और प्रोग्रामर के बीच में ये मीडियम क्या कौन प्रोवाइड करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या है, थ्री टाइप्स है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, ये मतलब समझे वाहिद लैंग्वेज है जिसको जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। ये किस पे, ये सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर्स पे होती है, 0 1 1 0 1, इस तरह ये सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस होते हैं जिसको कंप्यूटर समझता है। मतलब इसमें क्या होता है, जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन, तो मतलब सर्किटरी ऑफ ऑन ऑफ ऑन के उस पर चल रही होती है। इस तरह आपको देखा, आपको एक प्रोग्राम लिखना हो जो सिर्फ जीरो और वन की फॉर्म में हो, तो इसको हमारे लिए राइट करने क्या है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए नेक्स्ट लैंग्वेज जो बनाई गई थी वो क्या थी, असेंबली लैंग्वेज थी। ये सिंबॉलिक लैंग्वेज थी, इसमें सिंबल्स होते थे, और मशीन लैंग्वेज से ज़्यादा आसान थी इसको कोड करना, लेकिन फिर भी ये बहुत अप टू हमारे बहुत इजी लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन मशीन लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा आसान हो गई थी। असेंबली लैंग्वेज में जो भी हम प्रोग्राम लिखते थे ये वापस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता था और क्या करता था, फिर उस पर कंप्यूटर पर रन होता था। असेंबली लैंग्वेज के बाद हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज जो आई है वो क्या कहलाती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं उस लैंग्वेज के जो हम समझ सकते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा करीब है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा था, ये पाइथन लैंग्वेज का प्रोग्राम है जो क्या चेक करता है, क्योंकि ना कोई भी नंबर, गिवन नंबर 10 से ग्रेटर है या नहीं। अगर आप इसको पढ़ें आप खुद समझ जाएंगे कि प्रोग्राम कर क्या रहा है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब इसको समझना बहुत आसान है। ये कर रहा है, चेक कर रहा है इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन टू, अगर नंबर क्या हो 10 से बड़ा हो तो क्या ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू कि नंबर ग्रेटर देन टू है, और अगर ऐसा ना हो, ये कंडीशन फॉल्स फॉल्स हुई है, तो क्या चेक करे रिटर्न कर देगा, फॉल्स। अच्छा, एक और क्या चीज़ थी, जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम थे वो क्या होते थे, वो कंप्यूटर स्पेसिफिक होते थे। मैं अगर असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो प्रोग्राम सिर्फ मेरे कंप्यूटर पर चलेगा, अगर मुझे उसको किसी और कंप्यूटर पर चलाना है तो मुझे उस कंप्यूटर के लिए दोबारा प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा। हाई लेवल लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता, मैं एक प्रोग्राम अगर मैंने लिख दिया है और मेरे मशीन पर चल रहा है तो वो दूसरे कंप्यूटर्स पे भी आसानी से चल जाएगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, आप मैंने बताया था कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो सिर्फ क्या है, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं समझता, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं, जैसे असेंबली लैंग्वेज थी उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए भी एक प्रोग्राम बनाया गया, उस प्रोग्राम को क्या नाम देते हैं, असेंबलर। जो हम असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं उसको किसको कन्वर्ट, उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस को किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि वो कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। कंपाइलर क्या करता है, जो मैंने अगर कोई प्रोग्राम लिखा है हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ लाइन पे, जो मेरा प्रोग्राम है 10 लाइन का भी हो, तो उसमें क्या है, कंपाइलर पहले पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करेगा, देखेगा उसमें कहीं कोई एरर तो नहीं है, और जब उसमें कोई एरर नहीं है वो देखेगा तो फिर उस पूरे को एक साथ कंपाइल करेगा। इंटरप्रेटर ऐसे नहीं करता,
इंटरप्रेटर आपके पे एक लाइन रीड करेगा, देखिएगा ये सही है तो उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, उसको रन कर देगा, फिर अगली लाइन देखेगा, इस तरह वो सारी लाइन्स को लाइन बाय लाइन रीड करता हुआ जाएगा। अगर आपकी 15th लाइन पे एरर है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है जो आपने कोई चीज़ गलत लिख दी है, तो 15 से ऊपर पूरी 40 लाइन्स क्या हो चुकी होंगी, एग्जीक्यूट हो चुकी होंगी, 15 पे वो आपको एरर शो करेगा। कंपाइलर ऐसा नहीं करता, कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ देखेगा, अगर आपके कहीं पे भी प्रोग्राम में एरर है तो वो क्या आपको एरर शो कर देगा, प्रोग्राम को रन नहीं करेगा। चलिए, हमारे चैप्टर 1 में यही था। थैंक यू।